हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करूँगी। इससे पहले भी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, हैशटैग ये सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, उस वीडियो में मुझे काफ़ी सपोर्ट और प्यार मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो में भी आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं अन्य प्रकार के जो कीड़े मकोड़े, चींटी, छिपकली, चूहा, कॉकरोच, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सब को ख़त्म किस तरह से करना है या फिर हमेशा के लिए भगा देना है। आपको कुछ भी एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके किचन में भी कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाएगा फटाफट से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है, तो आपको वो बर्तन इस्तेमाल करना है दोस्तों जो बर्तन आप अपने किचन में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी लेना है। आप जो क्वांटिटी में बनाना चाहते हो वो क्वांटिटी आप पानी की बढ़ा सकते हो, और गरम पानी ही लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे भाप निकल रहा है, यानी कि ये गरम पानी अच्छा है। और सेकंड चीज़ हमें लेना है दोस्तों कपूर। कपूर को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। आप लोग की अक्सर शिकायत होती है कि कपूर को तो सभी को कूटना आता है, तो कपूर को मैंने पहले से ही कूट के रख लिया है, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, कुछ इस तरह से मिलता है। तो 5 से 6 कपूर मैंने लिया है, तो कपूर को मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और कपूर उबले पानी में जल्दी मेल्ट हो जाता है दोस्तों, जितना कि नॉर्मल वाटर में नहीं होता है उतना फास्ट आपको मेल्ट होते दिखेगा। तो आप देख सकते हो कितना जल्दी ये मेल्ट हो गया है। और हमें लेना है सेम मात्रा में नमक। नमक एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों जो कि कीड़े मकोड़ों को एलर्जी हो जाएगी, उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगा और वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो ये देखिए मिक्स कर दिया है मैंने नमक को भी, तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कपूर, क्योंकि गर्म पानी में बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें लेना है डेटॉल। हम सबको मालूम है डेटॉल कितना पावरफुल होता है दोस्तों, इसके आगे कुछ भी मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। डेटॉल मैं यहाँ पर 2 ढक्कन ले रही हूँ, और ये बहुत ही ऐसा, मैं इसको इसके बारे में क्या बोलूं आपको, आप खुद ही आजमाएंगे बनाकर, खुद ही आपके सामने रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, तो आप मुझे खुद ही कमेंट्स करके बताओगे। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती। आप देख सकते हो ये शाइनिंग हो गया है, क्योंकि कपूर और डेटॉल मिक्स हो गया है अच्छे से। इसका मतलब ये 101% काम करेगा। तो दोस्तों ये देखिए, तो मैं अब आपको ये बताती हूँ, ये रेडी हो गया है। आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। अक्सर आप लोग ने बोला है मुझे कमेंट्स करके कि हमारे छत पे चिपकली होती है, तो चिपकली छत पे किसे पोछा लगाएं। तो डियर्स, आपके छत पे चिपकली होती है तो आप वहाँ पर पोछा नहीं लगा सकती हैं, कोई भी नहीं लगा सकता है फ्रेंड्स। आपको वहाँ पे स्प्रे करना है इस तरह से, कोई भी बॉटल में आप इसको पोर कर लीजिए और वहाँ वहाँ स्प्रे करिए जहाँ पे चींटी, चिपकली, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच, सिलेंडर के पीछे, फ्रिज वगैरह के पीछे, जहाँ पे आपको लगे कि चिपकली है, तो अगर आप वहाँ पे स्प्रे करिए। और अगर आपको नहीं लगता है तो आप रोज़ इस पानी से, इस लिक्विड से आप पोछा लगाइए। आपके घर में कभी नहीं आएगा कोई भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आएगा। तो देखा दोस्तों कितना झटपट से ये बन गया है। इसको इस तरह से स्प्रे कर लीजिए, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग खुशबू आती है दोस्तों। डेटॉल और कपूर जब मिक्स होता है तो एक स्ट्रांग स्मेल आ रही है। आप ये तभी बनाइए और आप खुद ही इस्तेमाल करके खुद ही देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा यस, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए,
क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों, वरना आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।